और ईरान के तेहरान में बनी महिला जेल में शुक्रवार को अचानक आग लगने और गोलियां चलने की घटना सामने आई। सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में जलती हुई इमारत और गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बिल्डिंग में आग, गोलियां चलने की आवाज, ये तस्वीर ईरान की एविन जेल की है, जहां अचानक आग लगने के बाद गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। वीडियो एक एक्टिविस्ट वेबसाइट की ओर से साझा किया गया है। हालांकि इस वीडियो को लेकर ईरानी अधिकारियों या वहां की मीडिया ने किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की। एक्टिविस्ट वेबसाइट ने जो वीडियो शेयर किया उसमें आग की तेज लपटें और गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। आग लगने का कारण क्या है और इसमें कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी जानकारी अभी साझा नहीं की गई, लेकिन ये माना जा रहा है कि इससे काफी नुकसान हुआ है। कैदियों के परिवार वाले जो जेल के बाहर उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे, उनका कहना है कि आग लगने के बाद बड़ी तादाद में सुरक्षा बल और एम्बुलेंस जेल के अंदर जाते हुए दिखाई दी, लेकिन किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई। इस जेल में कैद अपराधियों की जानकारी सामने आने के बाद कई सवाल पैदा हो गए हैं। जेल में ज्यादातर कैदी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कैद किए गए थे। इन्हीं कैदियों में से एक है नियामक नमाजी। नमाजी एक ईरानी अमेरिकी थी जो जासूसी से संबंधित आरोपों के चलते 7 साल से जेल में बंद है। नमाजी के अमेरिकी जासूस होने के दावे को वॉशिंगटन बेबुनियाद बता चुका है। बुधवार को ही जेल से फरलो मिलने के बाद सियामक नमाजी जेल वापस लौटी थी। इस जेल में ऐसे कैदी भी हैं जिनकी लंबे समय से पश्चिमी दक्षिणी पंथी समूह आलोचना करते हैं। यही नहीं, 2018 में अमेरिकी सरकार ने इस पर गंभीर मानवाधिकार के हनन का आरोप भी लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।